में गड़बड़ी का आरोप। रीजनों में जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई उस जगह पर दो गाड़ियां अवैध तरीके से घूम रही है और ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ हो रही है, ऐसा गहरा आरोप गठबंधन प्रत्याशी मलिक नागर ने बीजेपी के ऊपर लगाया है, जिसे लेकर कल कलेक्ट्रेट हाउस पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और आज खुद जिलाधिकारी रीजनों की मौजूदगी में सेंट्रल वेयर हाउस रीजनों पहुंचकर इस पूरे मामले की जाँच करवाई है। आपको बताते चले कि बीजेपी में गठबंधन भारी पड़ रहा है। बीजेपी पर इसी मामले में ऐसा आरोप लग रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कर सकते हैं। इसी मामले में बीजेपी लोकसभा में बवाल मचा हुआ है। एक ओर जहां महागठबंधन प्रत्याशी मलिक नागर ने ईवीएम हाउस के पास दो अवैध गाड़ियों की एंट्री गलत बता रहे हैं, वही दूसरी ओर इनका साफ कहना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। बहरहाल जिलाधिकारी ने इन सारे बयानों को गलत बताते हुए आश्वस्त किया कि वो दोनों गाड़ियां हमारी थी और कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। फिलहाल सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है और गठबंधन प्रत्याशी खुद नजर बनाए हुए हैं। आज न्यूज चैनल के लिए रिपोर्टर सलीम अहमद की रिपोर्ट। गठबंधन प्रत्याशी की तरफ से ये तमाम बातें आई हैं और आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसमें क्या सब पूरा मामला निकल के आ रहा है? नहीं देखिए, कल गठबंधन के प्रत्याशी लोग हमसे मिले थे, वो देखना चाह रहे थे और यहाँ का जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम होता है इसके लिए एसडीएम सदर और सीओ सदर डेली देखने के लिए नामित हैं। हम और प्रधान साहब भी इसका रेगुलर भ्रमण करते रहते हैं। इसी के तहत आज हम लोग आए थे और यहाँ पे गठबंधन के प्रत्याशी से भी मुलाकात हुई। उन लोगों ने भी हमारी जो स्ट्रॉन्ग रूम की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, वो लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनसे भी वार्ता हुई, वो लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने काफ़ी बारीकियां से देखी हैं, जो हमारे सीसीटीवीज लगे हैं वो जो एलईडी स्क्रीन पे आ रहे हैं उसको उन्होंने चेक किया। 24 घंटे वो लोग अपने एजेंट्स को भी यहाँ पे रख रहे हैं और उन लोगों ने कहा है कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट। दो गाड़ियों की बात इसमें सर निकल के आ रही है कि दो गाड़ियां यहां पर आई थी। ये जो गाड़ियां हैं ये हमारा चूँकि यहां पे मतगणना होनी है और उसकी तैयारियां हो रही हैं, उसकी सामग्रियां लाते हैं और वो पूर्णतया हमारी तरफ से आरओ साहब की तरफ से ऑथराइज्ड हैं। वही गाड़ियां अंदर आ सकती हैं, जो भी गाड़ियां आती हैं उनकी एंट्री होती है, बिना ऑथराइज के कोई गाड़ियां अंदर नहीं जा सकती।